हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, अरुमाव गार्डनिंग में आप सभी का बहुत बहुत वेलकम है। जैसे कि आज आप देख रहे हो कि मेरा मनी प्लांट है और इसी में से मैं आपको इजीली कैसे आप इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि मेरे पास एक और प्लांट है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, जो कि मैंने इसी में से अलग किया था मल्टीप्लाई करने के बाद में। फ्रेंड्स, ये एक छोटे से पॉट में लगा हुआ है, जो कि लगभग 6 इंच का पॉट है, और आप देख रहे हो चारों तरफ से इसने लीव्स, अपने जो ब्रांचेज हैं वो निकाली हुई हैं, और लीव से ये पॉट बिल्कुल ढका हुआ है। फ्रेंड्स, जो चीज़ की हमें यहाँ पे ज़रूरत पड़ रही है कि हम इसको कैसे मल्टीप्लाई करें, वो है इसकी रूट्स। और इसके पास में मैंने कुछ पॉट्स रख दिए थे यहाँ पर, उनकी मिट्टी नीचे गिरी हुई, गिर गिर करके वो यहाँ पर थोड़ी थोड़ी इकट्ठी हो गई है, और वहीं पर इसने अपनी रूट्स जो हैं वो बहुत सारी बड़ी कर ली हैं। तो आज हम इन्हीं रूट्स की हेल्प से अपने इस प्लांट में से एक और प्लांट बना लेंगे, जो कि बहुत इजीली हो जाएगा। फ्रेंड्स, मैंने एक पॉली बैग लिया हुआ है छोटा सा, और इसी में मैं इसकी रूट्स जो यहाँ पर हैं ये, इनको निकाल के इसमें रख दूँगा, और फिर अच्छी तरीके से मिट्टी से इसको कवर कर दूँगा। अभी हम इसकी रूट्स को अलग करते हैं यहाँ से। ये बहुत सारी इसकी जो रूट हैं टाइट हो गई हैं यहाँ पर, और काफ़ी सारी रूट्स आ गई हैं। ये सारी रूट्स तो इसमें नहीं आ पाएंगी, क्योंकि कुछ यहाँ पर पीछे जो है वो दीवार से भी लगी हुई हैं। तो हम इसके एक ब्रांच ले लेते हैं, ये वाली, और ये इसकी काफ़ी बड़ी रूट है, तो हम इसी को इसमें लगा देते हैं। तो आप चाहें तो आप और भी ब्रांचेस, जिसमें से कि ज़्यादा से ज़्यादा रूट निकली हुई हो, आप उनको भी यूज़ कर सकते हैं। दो तीन ब्रांचेस एक साथ कर सकते हैं, जैसे कि मैंने अपने पहले वाले प्लांट में किया था। लेकिन अभी यहाँ पर एक ये सिंगल है, जो कि अच्छी ब्रांच भी अच्छी है, बड़ी है काफ़ी है। इसकी रूट्स को मैं इसमें लगा देता हूँ। इसकी सारी रूट्स इसके अंदर आ गई हैं। अब हम इसको अच्छी तरीके से सॉइल से फिल कर देंगे। अभी मैंने फ्रेंड सॉइल मैंने बहुत नॉर्मल से जो अपनी गार्डन सॉइल है वही ली है। इसमें मैंने कुछ भी मैन्यूर वगैरह या कुछ भी कंपोस्ट वगैरह ऐड नहीं किया है। इस तरीके से आप इसे कवर कर दीजिए, क्योंकि अभी सॉइल मॉइस्ट है तो मैं इसमें वाटरिंग नहीं करूँगा। लेकिन अगर मुझे लगता है कल या परसों में या एक दो दिन में कि इसकी सॉइल थोड़ी ड्राई हो रही है, तब मैं इसमें वाटरिंग कर दूँगा। और ये वाली जो मेरी रूट्स हैं, इन्हें मैं अभी ऐसे ही रहने दूंगा। जब मुझे और प्लांट चाहिए होंगे, तब मैं इसमें से इन्हें किसी एक ब्रांच को इसमें से लेकर के ऐसे इसी तरीके से मैं इन्हें पॉट करके मल्टीप्लाई कर लूँगा। फ्रेंड्स, हमने सॉइल भी इसमें डाल दी है, और मैं इसे इसके पास में इसी तरीके से रखा रहने दूँगा। कुछ टाइम में ये प्लांट की जो रूट हैं वो अच्छे तरीके से इसमें डेवलप हो जाएंगी, फिर हम इस ब्रांच को यहाँ से कट कर लेंगे और हमारे पास एक नया प्लांट बन जाएगा। एक और प्लांट है, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ, जो कि मैंने इसी तरीके से पहले इसमें से लिया था। फ्रेंड्स, ये देखिए मेरा दूसरा प्लांट, जो कि मैंने इसी में से, जो कि मेरा मदर प्लांट था, उसमें से मैंने इसको बनाया था। ये देखिए, ये ब्रांचेस हैं जो कि मैंने यहाँ से कट कर दी थी, और जो रूट्स मेरी निकली थी उनको मैंने इस पॉट में लगा दिया था। ये काफ़ी बड़ा पॉट है, ये लगभग 10 इंच का पॉट है प्लास्टिक का, और यहाँ से भी आप देखेंगे कि इसकी नई ग्रोथ शुरू हो गई है। और ये प्लांट, आप इसकी लीव्स देख सकते हो, काफ़ी हेल्दी है और इसकी ग्रोथ भी बहुत अच्छी चल रही है। देखिए, लगभग 3.5-4 फुट का ये प्लांट हो चुका है। तो इजीली आप इसी तरीके से अपने प्लांट, मनी प्लांट को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स को गिफ्ट कर सकते हैं, या फिर आप अपने घर के लिए भी, और एक ही बार बस आपको परचेज़ करना है, और उसके बाद आप इसको इजीली अपने घर में बहुत सारे प्लांट इस तरीके से बना सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। अगर ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करिएगा।